आज मैं बात करने आया हूँ जिसके बारे में 99% परसेंट लोग बात नहीं करते नॉट अबाउट इग्नोरेंस हम इग्नोरेंस की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन ये चीज़ है जो हमें पता ही नहीं है जिसके बारे में वी आर नॉट अवेयर ऑफ मान लीजिए मैं दाऊद की बात हुआ डॉन कम हिटलर कम एक सेकेंड में आते हैं लेकिन हेलो एवरी वन आई एम यूर फ्रेंड यू होस् बाल मनहारी एनआर वेलकम यू योर फेवरेट YouTube चैनल दट इज डॉग्स योर फ्रेंड्स फोर एवर डियर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए ब्लेसिंग्स के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने नई नॉलेज लेके आया हूँ जो कुछ भी मैंने सीखा वो सब चीज़ शेयर करने के लिए आया हूँ आप जो हमारे वीडियोस को प्यार दे रहे हैं उस सब चीज़ के लिए थैंक यू सो मच बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी सी अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर और वो डेफिनेटली आप सबके लिए उन सब लोगों के लिए जो मेरी फैमिली है मेरा परिवार है बादल भंडारी मल्टी सुपर स्पेशलिटी का डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉर का आज मैं बात करने आया हूँ जिसके बारे में 99% लोग बात नहीं करते और वो बात करने आया हूँ कि हमारे जो डॉग हैं जो हमारे सीनियर डॉग्स हैं जब वो सात आठ साल के हो जाते हैं तो उनकी जो डाइट में चेंज आना चाहिए वो क्या आना चाहिए उनकी क्या डाइट होनी चाहिए 99% हम लोगों को नहीं अवेयरनेस होती हम लोग एक छोटा बच्चा लेके आते हैं अपने घर में अपने परिवार में उसको बच्चे की तरह पालते हैं इट्स नॉट अबाउट इग्नोरेंस हम इग्नोरेंस की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन ये चीज़ है जो हमें पता ही नहीं है जिसके बारे में वी आर नॉट अवेयर ऑफ उस सब चीज़ के बारे में बात करने आया हूँ और बात कर रहा हूँ जब हम छोटे बच्चा लेके आते हैं हम उसकी डाइट उसकी केयर बहुत सारी अच्छे से करते हैं उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉग फूड देते हैं उसके एग चिकन प्रोटीन ये वो सब चीज़ का ख्याल रखते हैं और जब वो ग्रो कर जाता है अडल्ट हो जाता है हम उसे एक स्टेबल डाइट पर ले आते हैं मान लीजिए सुबह हम डॉग फूड दे रहे हैं उसे 200 ग्राम 300 ग्राम प्लस कर्ड दे रहे हैं दूध दे रहे हैं जो कुछ भी लोग देते हैं आफ्टरनून में कुछ नहीं देते हैं इवनिंग में हम अगेन उसको जो भी होम मेड फूड वगैरह हम दे देते हैं वो नॉर्मल लाइफ उसकी चलती रहती है लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि जैसे हम लोग इंसानों की जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी डाइट चेंज होती है इफ पर्सन हु इज़ ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड वो उसकी डाइट भी ज़्यादा होगी उसकी भूख ज़्यादा होगी उसके डाइजेशन की कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसका फिटनेस लेवल ज़्यादा अच्छा होगा उसका डाइजेशन लेवल ज़्यादा अच्छा होगा अगर एक फोर्टी ईयर्स के इंसान के साथ में कंपेरिजन करेंगे वैसे ही एक फोर्टी ईयर्स के इंसान का अगर सिक्सटी ईयर्स के साथ में कंपेरिजन करेंगे तो जो सिक्सटी ईयर वाला इंसान होगा उसको कई सारी प्रॉब्लम्स होंगी जैसे उसको ब्लड प्रेशर हो सकता है उसको किडनी प्रॉब्लम हो सकती है लिवर डिसऑर्डर हो सकता है प्रॉपर भूख ना लगती हो और आईसाइड भी वीक हो जाती है जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है घुटनों में दर्द शुरू हो जाती है एंड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर इन ह्यूमन्स लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ ह्यूमंस तक सीमित नहीं है वो एज वाइज़ हैं वो किसी भी एज वाइज़ है अगर हम शेर की बात करें एक यंग टाइगर की या लॉइन की बात करें तो उसका फ़िटनेस लेवल अलग है एक ओल्ड एज डॉ टाइगर की या लॉइन की बात करें उसका फ़िटनेस लेवल अलग है उसके दांत कमज़ोर हो जाएंगे इसी तरह से डॉग्स का भी है हम पहले सोचते हैं जब ये अभी कुछ देर पहले तक छः महीने तक तो बहुत प्रॉपर खाना खाता था अब ये प्रॉपर खाना नहीं खाता हमारा डॉग पाँच साल का हुआ जी छः साल का हुआ हम कभी सोचते नहीं हैं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है शायद वो शेयर नहीं कर पा रहा हमसे हम रेगुलर रूटीन में हर सिक्स मंथ में हमें अपने डॉग को अपने वेटनरी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए एक अच्छे सभी डॉक्टर अच्छे होते हैं कोई अच्छा है बुरे वाली बात नहीं है किसी भी अच्छे वेटनरी डॉक्टर के पास लेके जाइए उनको कंसल्ट कीजिए अपने डॉग का फिटनेस लेवल चेक करवाइए बहुत ज़रूरी है कई बार होता है दांतों में टाटर जमना शुरू हो जाता है कैविटीज होना शुरू हो जाती हैं डॉग के दांत में जब वो खाना खाता है तो उसको दर्द होती है खाना खाने में हम उसको बोन्स या कुछ हार्ड फूड देंगे तो वो उसको अच्छे से नहीं खा पाता या वो सीधा गल्प करने की कोशिश करता है सीधा गल्प करेगा तो उसके बाद में वो बहुत जल्दी उसको प्यूक आउट कर देगा वॉमिट कर देगा वो उसकी प्रॉब्लम है हम बोलेंगे यार खाना खा के वॉमिट कर देता है रीजन क्या है हमें नहीं मालूम उसका फिटनेस लेवल पहले ये हमारे साथ बहुत देर तक वॉक करता था अब नहीं करता उसके जॉइंट्स में पेन हो सकती है पहले हम एक बार ही बुलाते हैं कम मान लीजिए मैं दाऊद की बात हुआ डॉन कम हिटलर कम वो एक सेकंड में आते हैं लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी उनके भी उठने में वो टाइम लगाते हैं हम सोचते हैं यार आलसी हो गया डॉग सुस्त हो गया है निकम्मा हो गया ऐसा नहीं होता है उसके जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो रही है हमें वो चीज़ को समझना है हमें उसकी डाइट को चेंज करना है एक सीनियर डॉग की डाइट हमें अलग तरीके से देनी है उसकी डाइट में फाइबर होना बहुत जरूरी है फाइबर कहाँ से आएगा ग्रीन वेजिटेबल से फाइबर आएगा सैलड से फाइबर आएगा फ्रूट से फाइबर आएगा ये मैं होममेड फूड का बना चुका हूँ वीडियो उसमें आप देखेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी इस चीज के लिए फाइबर ऐड कीजिए उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए राइस दीजिए मेक श्योर उसकी डॉग की जो आईसाइट है उसकी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही एक और पॉइंट क्लियर करता हूँ हम लोग बहुत बारी मेरे पास पिछले कल एक मैम आ रखे थे उनके जर्मन शेफर्ड फीमेल है नाइन इयर्स की शायद मैम वो ये देखेंगे वीडियो तो डेफिनेटली उनको क्लियर हो जाएगा कि मैं उनको कल मैंने बताया था कि मैम मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी जो जर्मन शेफर्ड फीमेल है उसकी स्किन प्रॉब्लम हो रही है पिछले छः महीने में दो तीन बारी हो गई है वो कहते हैं क्या रीज़न है बार बार क्यों हो रही है रीज़न ये है उसकी इम्यूनिटी वीक हो गई बच्ची की उसकी इम्यूनिटी वीक हो रही है उसकी स्किन केयर के लिए उसको क्या दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं हम तो होममेड फूड दे रहे हैं कोई ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं ये सारी चीजें बहुत मैटर करेंगी ओवर कैल्शियम नहीं देना लेकिन कैल्शियम देना जरूरी है हम कैसे देंगे सीनियर डॉग को कैसे देना चाहिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं एक महीने के लिए हमने मान लीजिए एक जर्मन शेफर्ड है या लाब्रोड है, है या रॉटवेलर है या सेंट बनाड है कोई भी बड़ी ब्रीड है मीडियम या लार्ज ब्रीड है हम उसको 10 एम एल मॉर्निंग इवनिंग लिवर सिरप देते हैं 30 डेज के लिए एक महीने के लिए दे दिया उसका जो लिवर है वो थोड़ा सा बूस्टअप हो गया उसके नेक्स्ट एक महीने के लिए हम उसे कैल्शियम दे देते हैं मॉर्निंग इवनिंग दो टाइम बेटर हो गया उसके बाद में हम उसे एक महीने के लिए ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स दे देते हैं टेन एम एल मॉर्निंग इवनिंग स्किन कोट बेटर हो गया कैल्शियम ने जॉइंट्स वगैरह बेटर कर दिए कैल्शियम जब देना है तो उसके साथ में आ, कुछ भी ग्लूकोजामाइन वगैरह दीजिए मेगाफ्लेक्स आता है साइनोपैट आता है पेट जॉइंट आता है बहुत सारे ऐसा नहीं है कि हिपडिस्प्लेजिया के लिए बीमारियों के लिए जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे डॉग के जॉइंट जो है फिटनेस लेवल जो है वो बहुत अच्छा रहना चाहिए फिट रहना चाहिए एक्टिव होना चाहिए डॉग को उसके टीथ प्रॉपर स्ट्रांग रहना चाहिए उसके लिए कैल्शियम ग्लूकोजाम वगैरह दीजिए थर्ड में मैंने दे दिया ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स मॉर्निंग इवनिंग राइट और फोर्थ में हमने उसे दे दिया आयरन टेन एम एल अ डे आयरन का क्या होगा ओल्ड एज में कई बार आयरन की डेफिशिएंसी आ जाती है चार महीने में आपने चार हेल्थ ट्रॉनिक्स दे दिए उसके बाद में चार महीने बाद फिर से हम लिवर पे आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था अगर आप इस तरह से देंगे आपका डॉग फिट रहेगा मेंटेन रहेगा स्किन वगैरह की अगर प्रॉब्लम आ रही है या कुछ आ रही है बार बार आ रही है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं अपने बेट को डेफिनेटली कर सकते हैं अगर उसकी एपेटाइट पुअर हो रही है तो आप अगेन उसको लिवर वगैरह दे सकते हैं कुछ एपेटाइजर दे सकते हैं एनजाइम्स दे सकते हैं कुछ भी हेल्दी हम उसे दे सकते हैं जिससे उसका लिवर भी बूस्टअप हो मेक श्योर उसको कहीं यूरिन तो नहीं येलो यूरिन तो नहीं कर रहा या कई बार होता है डॉग सुबह घास खा के वॉमिट करता है उस तरह का तो नहीं कर रहा बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं हंड्रेड टेन ऐसा करते हैं डॉग कई बार होता है डॉग खाना खाते हैं पाँच सात दिन के लिए बिल्कुल फिट उसके बाद में खाना खाना छोड़ देते हैं दो दिन फिर वो घास खाते हैं वॉमिट करते हैं फिर वो नॉर्मल फूड पे आ जाते हैं रीज़न वो एक येलो सा फ्लूड निकालते हैं दैट इज एसिड उनकी बॉडी में एसिड बन रहा है उसका सोल्यूशन क्या है लिवर दीजिए साथ में कोई भी एक माइल्ड सा एंटी एंटी एसिड आप दे सकते हैं उसकी डाइट में एंटी एसिड ऐड कर सकते हैं आप कोई भी लेकिन ऑफ कोर्स सीनियर डॉग होगा तो यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर अगर आपका डॉग बिल्कुल यंग है तो भी आप ये चीज उसको दे सकते हैं इसी तरह से दे सकते हैं एक महीना एक चीज दूसरे महीने दूसरी चीज तीसरे महीने तीसरी चौथे महीने फिर फर्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाइए अगर हमारा डॉग हम बोलते हैं जी वो तो चिकन चावल खाता है एक एग्जाम्पल देता हूँ जो हमारा डॉग चिकन चावल खाता है वेजिटेबल्स तो खाता नहीं है यू कैन डू दिस थिंग आप चिकन लीजिए कुकर में डालिए उसमें राइस ऐड कीजिए उसमें छोटी छोटी सब्जी के पीसेस ऐड कर दीजिए सब्जी के छोटे छोटे बारीक चॉप करके पीसेस उसमें ऐड कर दीजिए पानी डाल के दो सीटी लगवा दीजिए दो गार्लिक और एक पिंच ऑफ सॉल्ट और टर्मरिक डाल के उससे क्या होगा वो एक बड़ी अच्छी सी बिरयानी टाइप उसके लिए तैयार हो जाएगी फाइबर भी आ गया जितनी वेजिटेबल्स है सब में चिकन का फ्लेवर आ गया तो डॉग उसको बड़ी शौक़ से बड़ी खुशी खुशी खा लेगा जिसने कभी नहीं खाया वो ऐसा नहीं कि एकदम से खाएगा बट आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो वो खाने लग जाएंगे ओल्ड एज डॉग सेवन ईयर्स प्लस है तो उसको ज्यादा रनिंग की ज़रूरत नहीं है वॉक चाहिए डेफिनेटली एक डेढ़ किलोमीटर सुबह एक डेढ़ किलोमीटर शाम को हो जाए अदरवाइज उसे फ्री रहने दीजिए जितना वो खुला रहेगा उतना वो फिट रहेगा ज़्यादा सीढ़िया मत चढ़ने दीजिए अवॉइड कीजिए मार्बल वगैरह पे खेलना कोई भी ब्रीड हो कोई भी ब्रीड हो क्योंकि ओल्ड एज में अगर इंजरी होती है तो उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं इतना ईजी नहीं होते फास्ट रिकवरी नहीं होती ये इंपॉर्टेंट था हम अपने सीनियर डॉग्स को जो बुज़ुर्ग डॉग हैं उनको हम खाना कैसा दें स्पेशली उनको सॉफ्ट देना चाहिए खाना अगर डॉग फूड देना है तो उसको सोक करके दीजिए नरम करके दीजिए अगर वो उस तरह से नहीं खाता सोक करके नहीं खाता उसे वो अच्छा नहीं लगता उसे ग्राइंड कर लीजिए डॉग फूड को ग्राइंड करके आप उसको कर्ड में ऐड करके दे सकते हैं बट डिपेंड्स अपॉन वेदर कंडीशन अभी हमारे नॉर्थ में विंटर्स आ गए हैं यहाँ पर सर्दी आ गई है दही नहीं देना चाहिए फ्रिज का भी नहीं देना चाहिए अदरवाइज भी कोशिश करनी चाहिए अवॉइड करने की घर की सारी सभी सब्जियां दे सकते हैं चपाती दे सकते हैं चावल दे सकते हैं खिचड़ी दे सकते हैं कड़ी चावल दे सकते हैं सरसों का साग दे सकते हैं मक्की की रोटी कनक की रोटी ये सब चीजें दे सकते हैं लेकिन मक्की की रोटी बहुत ज्यादा नहीं देनी चाहिए बिकॉज ये जो है बहुत ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता डॉग को सोया कम देना चाहिए सोया इजिली डाइजेस्ट नहीं होता बहुत सारे डॉग फूड आते हैं सीनियर डॉग्स के लिए अलग आते हैं और टाइम टू टाइम डॉग को चेक करवाते रहना चाहिए वेटनरी डॉक्टर को सो दैट कई बार होता है डॉग को किडनी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार शुगर की प्रॉब्लम आ जाती है कभी कुछ तो कभी कुछ सब चीज़ें हो सकती हैं बट साइन करेंगे आपके हमारे हम सब के डॉग्स हमारी फैमिलीज फिट रहेंगी और उनकी ब्लेसिंग साइन की ब्लेसिंग्स रहेंगी हम सब पे आई होप ये जो वीडियो बनाया आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया प्लीज़ इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर बेल का बटन ऑन नहीं किया तो उसे ऑन कीजिए सो दैट आप किसी भी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो को मिस ना करें Thank you so much. Love you all.